देश विदेश की सभी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, कॉबेट बुलेटिन न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं हिना इकबाल खान। चलिए बात करते हैं आज की खास खबरों की। खबर कालाढूंगी से है। कालाढूंगी आदर्श नवयुवक श्री रामलीला कमेटी के दर्जनों पदाधिकारियों ने आज शनिवार को मुख्य हाईवे मार्ग में शराब भट्टी दुकान को हटाए जाने की मांग को लेकर तहसील व थाना पहुंचकर एसडीएम कोहली व थाना अध्यक्ष नंदन सिंह रावत को ज्ञापन प्रेषित कर शराब की दुकान हटाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि शाम के समय मुख्य मार्ग में गाड़ियां खड़ी होने से जाम की स्थिति पैदा होती है, जिस कारण यहां आए दिन दुर्घटना घटती है। रामलीला के दर्जनों पदाधिकारियों के साथ नगर के सभी दल के जनप्रतिनिधियों ने कहा कि इस समय रामलीला का मंचन हो रहा है, जिस कारण यहां रामलीला में आने वाली महिलाओं को भी शराबियों के द्वारा छिटाकसी की जाती है। इस वजह से यहां आए दिन लड़ाई झगड़ा होता रहता है। उन्होंने ज्ञापन में कहा, कालाढूंगी मुख्य हाईवे मार्ग में विगत कई सालों से अंग्रेजी शराब की दुकान है और इसकी दूरी पर मात्र दोनों और कॉलेज 100 मीटर की दूरी पर स्थित है, लेकिन स्कूल टाइम पर अंग्रेजी शराब की दुकान होने से आने जाने वाली महिलाओं व स्कूल की लड़कियों पर छींटा कसी की जाती है। आप देख रहे हैं कालाढूंगी से, ब्यूरो मुस्तजर फारूकी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। ऐसी ही छोटी बड़ी देश विदेश की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नज़र। जो ये मुझे अभी ज्ञापन दिया गया है, इसमें मैं लोगों से बातें करूँगी कि कहीं और जगह जो हमारे पब्लिक प्लेस से थोड़ा सा हटके हो, जहाँ पे महिलाओं का या बच्चों का आवागमन ना हो, वहाँ पे शिफ्ट कराने की बात मैं इनसे करती हूँ। क्या कार्रवाई की नहीं, अभी मैं बात करती हूँ, मैं आपका विभाग से बात करती हूँ, जिसकी भी यहाँ पर दुकान है उनसे बात करती हूँ, थोड़ा सा हटके जो पब्लिक प्लेसेस में ना हो। भट्टी है, उससे बहुत ज़्यादा यहाँ पर अराजकता का माहौल हो रहा है। क्या होता है कि यहाँ पर ओवर रेडिंग वो करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उनसे टूटी बैठे जो वाइन शॉप में जो लड़के काम कर रहे हैं उनकी टूटी बैठे, ये सब कुछ होता है। फिर आप फिर बाहर वो झगड़ा होता है, गाली गलौज होती है, माताएं बहनें निकलती हैं हमारी। तो हमें जो रामलीला अभी आजकल रामलीला चल रही है कालाढूंगी में, तो माताओं बहनों को निकलने में बड़ी शर्मिंदगी सी महसूस होती है वहाँ पर, क्योंकि गाली गलौज वगैरह इसका वो होता है। तो हम तो चाहते हैं कि इसको हटाया जाए, लेकिन अभी हमारी रामलीला चल रही है, इसमें तो लंबा प्रोसेस होगा, पता नहीं क्यों नहीं हट पा रही है यहाँ से बस स्टैंड से। ये अभी इसमें लंबा प्रोसेस चलेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इसे 6 बजे से, हमने मैडम को ज्ञापन दिया है आज कि ये 6 बजे से इसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि अराजकता जो मेन चौराहे पे जो ये वाइन शॉप खुली पड़ी है, इसका हमने कई बार विरोध कराया। ओवरहेड के चक्कर में आए दिन यहाँ पर लड़ाई झगड़े हुआ करते हैं, और इसी बीच कल देखते हुए हमारी रामलीला में रामलीला चल रही थी और इसी बीच रोड में एक्सीडेंट हुआ और उसने बहुत ड्रिंक करी थी रात को, इसी के कारण लेते हुए हमने आज तहसील में ज्ञापन दिया और SDM महोदय से ये बुलाया गया है कि क्या कहते हैं जल्द से जल्द इस कालाढूंगी वाइन शॉप को दूसरी जगह शिफ्ट करा जाए। और इस बीच में अभी तो हमने ये कह रखा है मैडम से कि 6 बजे बाद जो वाइन शॉप खुली रहती है वो रात को बंद हो जाए, जिससे कि हमारी जो 4 दिन की लीला बची हुई है वो आराम से हो जाए। और कहीं ना कहीं इस वाइन शॉप से लेके आए दिन हमारे पहले भी झगड़े हुआ करते थे और होते हैं, इनसे विवाद तो में रहती है, पता नहीं ऐसा लगता है कि जैसे कोई मंत्री और विधायक का इसमें इनका हस्तक्षेप है इस वाइन शॉप में, ऐसा हमें महसूस होता है।